इसको न्यूटन कैरेडल बोलते हैं। ये मोमेंटम कंजर्वेशन में काम करता है। मोमेंटम यानी मास टाइम वेलोसिटी, और मोमेंटम कंजर्वेशन ये बोलता है कि जब कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उसका मोमेंटम हमेशा के लिए सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। इसको और अच्छे समझे तो जब कभी गन से फायर करते हैं तो हमारी गन पीछे जाती है, क्योंकि पहले दोनों का मोमेंटम जीरो था, और जब फायरिंग के बाद बंदूक की गोली आगे जाती है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाता है। तो उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए या कैंसिल आउट करने के लिए हमारी बंदूक पीछे की डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से जाती है। सेम यहाँ भी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जब पहली बाल दूसरी बाल से टकरा के रुक जाती है तो उस डायरेक्शन मोमेंटम बनाए रखने के लिए दूसरी बाल फिर सेम मोमेंटम से आगे की तरफ बढ़ती है, फिर वह तीसरे से टकराती है, फिर चौथे, फिर आगे। यदि ध्यान से इसको देखें तो कोलिजन के बाद ये अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर ले रही है, यानी पहली बाल के पास वेलोसिटी थी तो वो जीरो हो गई, दूसरी के पास जीरो थी तो भी वेलोसिटी से आगे बढ़ गई। ऐसे ही यदि दो बाल को उठाएं तो मोमेंटम को उस डायरेक्शन में कंजर्व करने के लिए फिर वहाँ से भी दो बाल ही उठे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब एक बाल आ रहा है उसके पास मोमेंटम एम भी है और टकराने के बाद दो बाल क्यों नहीं उठ के जा रहा है? यदि उन बाल का वेलोसिटी हाफ कर दे दोनों की तो फिर भी उनका मोमेंटम तो अभी कंजर्व रहेगा, क्योंकि पहले भी एम भी था और बाद में भी एम भी होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक बाल से दो बाल क्यों नहीं उठ रहा? तब तक आप सोचिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।